और फिर पुलिस की सक्रियता से बच्चे को बरामद कर लिए जाने तक पूरी जानकारी हमारे संवाददाता ने बच्चे के घर जाकर जुटाई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा घटनाक्रम। गोंडा के कर्नेलगंज थाने में जहाँ वही जगह है जहां पर कल एक बच्चे का अपहरण होता है और उस बच्चे को 17 घंटे के अंदर पुलिस बरामदगी करती है। इस मामले को लेकर जहां कानपुर में एक टूल पकड़ रखा था, पुलिस के ऊपर सवाल या निशान लग रहे थे और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा था और वही समाजवादी पार्टी के मुखिया यूँ कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को कटघरे में लाके खड़ा किया था। वही योगी सरकार इस पर सख्त रवैया अपनाए हुए थी और योगी सरकार ने सख्त निर्देश दे रखा था, उसमें DGP और लाइन ऑर्डर पूरी तरह से इस मामले को अपनी निगाह में बनाए हुए थे और बराबर पल पल की जानकारियाँ यहाँ संबंधित आला अधिकारियों से कर रहे थे और यहाँ STF की टीम और पुलिस की आपस की दोनों टीमें ने सामंजस्य बनाकर और इस बच्चे की बरामदगी आज यहां से कर ली, जिसके संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उसमें एक पति और पत्नी भी है और पत्नी की जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में आई जिसमें बराबर वो पैसे की डिमांड कर रही है और पुलिस के जानकारी न देने की बात कर रही है और वो दहका रही है कि कानपुर का जो हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। इस पेशोपेश की अवस्था को देखकर पुलिस ने अपनी सतर्कता बरतते हुए और बच्चे को साकुशल आज बरामद कर लिया और बच्चे को साकुशल उसके परिवारजन को यहाँ पहुँचाए। वही ADG लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार जी भी इस मामले को पूरी तरह से निगाह बनाया था और यहाँ पर बैठकर उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जहाँ बच्चे को सुपुर्दगी करने के बाद और गुड वर्क भी बताया, जहाँ वो STF टीम को 1 लाख रुपए और पुलिस गोंडा पुलिस को 1 लाख रुपए की घोषणा दी की गई है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से सतर्कता बढ़ रही है योगी सरकार ने, क्या इसी तरह से और भी सतर्कता बढ़ेगी और जिस तरह से कल इन बच्चे के अपहरण के बाद ये मामला निकल के आ रहा था और विपक्ष तंज कस रहा था, विपक्ष है तो तंज कसेगा ही और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को जवाब तो देना ही पड़ेगा और इस तरह से गुड वर्क होने पर और गोंडा पुलिस को भूर भूर प्रशंसा की गई और लोगों ने अभिनंदन और परिवार के चेहरे पर खुशी के भाव देखने को मिल रहे हैं। मैं गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव के न्यूज के लिए। फरुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, खाकी को शमशार करने वाला एक तस्वीरें सामने आई है। फरुखाबाद